हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेइटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पाइथन ऑपरेटर की सीरीज में मैंने टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें से सीरियल नंबर 1 यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर, 2 कंपैरिजन ऑपरेटर और 3 असाइनमेंट ऑपरेटर, इन तीनों ऑपरेटर्स को मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया है। यानी कि पार्ट 1 वीडियो सीरीज में, ऑपरेटर्स की पार्ट 1 वीडियो सीरीज में आपको ये मिलेंगे। ऑपरेटर के पार्ट 2 वीडियो सीरीज में आपको लॉजिकल ऑपरेटर मिलेगा। और इस पार्ट 3 यानी कि लास्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की और बिटवाइज ऑपरेटर्स की। इन तीनों ऑपरेटर्स को आप आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा 5th ऑपरेटर है, वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर का वर्क होता है कि जिस भी वैल्यू के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उसे चेक करते हैं कि वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग करती है या नहीं करती है। इसे चेक करने के लिए हमारे पास पाइथन में एक टाइप फंक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, राइट? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर दो है हमारे पास। पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज, और दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज नॉट। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, इज मतलब है क्या, इज नॉट मतलब क्या है या नहीं है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जब हम देखेंगे तो ये कहता है रिटर्न्स ट्रू, मतलब ये ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों के दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट या सेम टाइप के हैं। जैसे अगर एक्स और वाई ये दोनों सेम टाइप के हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, राइट? और अगर ये सेम टाइप के नहीं है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज नॉट फंक्शन का। और अगर यहां हम लिखते हैं एक्स इज नॉट वाई तो ये चेक करेगा कि क्या एक्स और वाई एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। याद रखिए ये यहां पे इज नॉट चेक कर रहा है, राइट? इसको एक प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझाने के लिए मैंने एक इज से प्रोग्राम बना रखा है और यहां पे एक इज नॉट से प्रोग्राम बना रखा है। स्टार्ट करते हैं। एक्स में मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कहा क्या स्टोर किया, 5 स्टोर किया। सो एक्स का टाइप आप खुद समझ सकते हैं कि एक्स की जो टाइप है वो क्या हो गई है, तो एक्स की टाइप जो है वो इंटीजर हो गई है, ठीक है? अब हम यहां चेक करते हैं। देखिए, ये टाइप एक फंक्शन है हमारे पास और ब्रैकेट में हमें क्या डालते हैं, वेरिएबल डालते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल हम इसके ब्रैकेट के अंदर डालते हैं उसका ये हमें टाइप बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप है। तो हम चेक करते हैं कि क्या टाइप ऑफ एक्स, तो टाइप ऑफ एक्स क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ये इंट रिटर्न करेगा, राइट? तो क्या इंट इज इंट, यस ऑब्वियसली, इंटीजर तो इंटीजर ही होता है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, करेक्ट प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या प्रिंट कर देता, इनकरेक्ट। लेकिन इस केस में चूंकि x में जो डाली गई वैल्यू है खुद वो एक इंटीजर है, इसलिए x किस टाइप का हो जाएगा, x भी इंटीजर टाइप का ही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा, राइट? दूसरी तरफ देखते हैं, ये वीडियो जो है वो इज नॉट को बिलोंग करती है। x में मैंने क्या डाला, 5.2 डाला। 5.2 किस तरह की वैल्यू है, तो 5.2 है फ्लॉट टाइप की वैल्यू, राइट? फ्लॉट मतलब रियल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। तो x जब इसको ऑक्यूपाई कर रहा है तो x भी किस टाइप का हो जाएगा, x भी फ्लॉट टाइप का ही हो जाएगा। अब हम यहां चेक करते हैं, इफ अगर टाइप ऑफ x, तो टाइप ऑफ x हमारा यहां क्या निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा टाइप ऑफ x यहां पे फ्लॉट निकल के आएगा। हम चेक करते हैं कि फ्लॉट यानी कि टाइप ऑफ x की जो वैल्यू निकल के आएगी, फ्लॉट इज नॉट इंट, क्या वो इंट नहीं है, हाँ ट्रू, ऑब्वियसली फ्लॉट कभी इंट नहीं होता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये करेक्ट रिटर्न करेगा, मतलब इसका भी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्लियर? अगर सपोज कीजिए इस प्रोग्राम में अगर हम x की जगह x की वैल्यू को 5 नहीं रख के x की वैल्यू को हम रखते हैं 5.5, ठीक है? तो x की जो x में जो स्टोर हो रहा है वो क्या डेसिमल वैल्यू हो रहा है, यानी कि फ्लॉट नंबर हो रहा है। तो यहां पे टाइप ऑफ x क्या रिटर्न करता उस केस में, उस केस में ये रिटर्न करता फ्लोट, राइट? तो फ्लोट इज इंट, ये चेक होता नहीं, फ्लोट कभी भी इंट नहीं होता है। तो ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स, और फॉल्स के केस में किस जगह जाता, एल्स में जाता, और क्या प्रिंट करता, इनकरेक्ट। तो उस केस में आपको आंसर जो मिलता वो क्या मिलता, इनकरेक्ट मिलता। तो ये है पाइथन का आइडेंटिटी ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा पाइथन का वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। दो मेंबरशिप ऑपरेटर है हमारे पास, एक है इन और एक है नॉट इन। ये बिल्कुल एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे वैल्यूज स्टोर हैं और उन वैल्यूज में हमें चेक करना है कि कोई एक पार्टिकुलर दिया गया वैल्यू मौजूद है या नहीं है। तो इन अगर वैल्यू मौजूद है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। जबकि नॉट इन अगर ये कहता है कि दिस रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर एलिमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि यहां क्या होगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ट्रू देगा और एलिमेंट मिल जाएगा तो ये फॉल्स देगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन मतलब क्या उस लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यू है, नॉट इन मतलब कि क्या उस लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आउटपुट क्या होता है, चेंज होता है। इसको एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए और जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, 10 स्टोर किया है। अब हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। मीन्स हमारे इस लिस्ट में 5 वैल्यूज कंटेन करते हैं 1 to 5। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ अगर ए इन लिस्ट, ए इन लिस्ट का मतलब क्या हुआ, लिस्ट में क्या क्या स्टोर है। तो लिस्ट में देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टोर है और ए में क्या स्टोर है, तो ए में हमारा क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, राइट। तो हम चेक करते हैं कि क्या जो ए है वो हमारे लिस्ट में है। तो क्या ए लिस्ट में है हमारे 10 वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 में है, ऑब्वियसली नहीं है। तो ये कहां जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा, एल सेक्शन में जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, नो ए इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। सो फाइनल आउटपुट हमारा क्या होगा, नो ए इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लिस्ट बिकॉज 10 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, राइट। अब हम इस केस में आते हैं। हमने यहां पे एक फिर से ए नाम का वेरिएबल लिया, ये सेकंड एग्जांपल है हमारा। इसमें हमने एक ए लिया और ए में हमने क्या सेट किया, 1 सेट किया और एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 डाला, राइट। अब यहां चेक करते हैं कि इफ ए इन लिस्ट, क्या ए जो है वो लिस्ट में है। तो देखिए क्या 1 की वैल्यू, तो 1 इस लिस्ट में है तो हाँ यहां 1 हमें मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या प्रिंट करेगा, यस ए इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो हमारा आउटपुट इस बार क्या होगा, यस ए इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, राइट। तो ये जैसे इन है बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा, नॉट इन। नॉट इन हमें कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब एलिमेंट नॉट फाउंड होता है। जबकि इन हमें कब ट्रू रिटर्न करता है, जब एलिमेंट फाउंड होता है, क्लियर। तो ये है पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर और लास्ट ऑपरेटर हमारे पाइथन का है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज हम बिट्स पे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। बिट्स क्या होता है, देखिए मेमोरी मेजरमेंट का ये एक पार्ट होता है। हम जानते हैं 1 byte = 8 bit होता है, 1 byte = 8 bit। जब मेमोरी, पहले के जमाने में मेमोरी बहुत कम थी, उस समय हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज बिट्स पे वर्क करने के लिए करते थे। और ये कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं एंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज साइन राइट शिफ्ट। ये ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर में काउंट होते हैं। देखिए हमने एंड पढ़ा है, लॉजिकल एंड पढ़ा है, लॉजिकल और पढ़ा है और लॉजिकल नॉट पढ़ा है। समहाउ यहाँ पे थोड़ी सी जो क्लारिफिकेशन होगी वो हमारे लिए आसान होगी। कैसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक बिट है एक्स बिट और एक बिट है वाई बिट। एक्स में ये वैल्यूज स्टोर हैं और वाई में ये वैल्यूज स्टोर हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स और एंड यानी कि बिटवाइज एंड और वाई निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं कि जो एक्स की पहली वैल्यू है और वाई की पहली वैल्यू है, यहाँ पे एक्स भी जीरो है, यहाँ पे वाई भी जीरो है। तो जीरो मतलब फॉल्स, यहाँ भी जीरो मतलब फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, एंड फॉल्स रिटर्न करता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि एंड तभी वन रिटर्न करता है जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो फर्स्ट केस में भी ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न आ गया। फिर यहाँ पे इस केस में ये दोनों भी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे ये दोनों जीरो है तो यहाँ पे भी इसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे भी ये दोनों जीरो है तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो रिटर्न कर दिया। बिल्कुल आप एंड ऑपरेशन लगाते चले जाइए, 0, 1 यानी ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। 1 और 0 है तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। 1 और 0 है तो फिर भी क्या रिटर्न करेगा, 0। और 0 और 0 है
तो भी ये क्या रिटर्न करने वाला है, जीरो ही रिटर्न करने वाला है। मतलब इसमें एंड ऑपरेशन में कोई ऐसी जगह नहीं आई जहां पे दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हो, वन हो, इसलिए सारा का सारा आंसर आपका क्या गया, जीरो के जीरो में कन्वर्ट हो गया, राइट। दूसरा देखते हैं बिटवाइज और क्या कहता है, कोई एक आपका वैल्यू जो है वो वन होना चाहिए, वन मीन्स ट्रू होना चाहिए। तो देखिए शुरू की ये चारों वैल्यूज तो दोनों में जीरो जीरो है, इसलिए शुरू की ये चारों वैल्यूज क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो आ जाएंगे। जबकि यहां देखिए ये जीरो है और ये वन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यहां पे ये वन है और ये जीरो है, तो कोई भी एक हो गया वन तो ये वन आंसर दे देगा। यहां पे भी ये वन है और जीरो है तो ये क्या आंसर दे देगा, वन दे देगा। और फिर से यहां पे ये दोनों जीरो है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, जीरो रिटर्न कर देगा। तो आपको पुराने वीडियोज में जो मैंने एंड और के काम बताए हैं, सेम वर्क यहां परफॉर्म कर रहे हैं, बिट्स पे हर एक बिट को चेक करते हैं, दोनों के दोनों अगर वन है तभी एंड के केस में उसका आंसर वन आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी वन है तो और के केस में उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज एक्स और, ये हमारा कहलाता है बिटवाइज एक्स और, क्लियर। देखिए बिटवाइज एक्स और क्या कहता है, बिटवाइज एक्स और ये कहता है कि आप दोनों वैल्यूज को चेक कीजिए, जैसे यहां जीरो है और यहां जीरो है, तो देखिए शुरू के चारों इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो है, यहां पे भी शुरू के चारों की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। फिर यहां पे ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू वन है, तो यहां पे क्या आएगी, वैल्यू वन आएगी। यहां पे वन है, यहां पे जीरो है, तो यहां वैल्यू क्या आएगी, फाइनली यहां पे वैल्यू वन आएगी, ठीक है। यहां पे वन है, यहां पे जीरो है, तो ये क्या आएगी, वन आएगी, और यहां पे जीरो है और यहां पे जीरो है, तो यहां जीरो आएगी। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल और की तरह काम कर रहा है क्योंकि सेम रिजल्ट आया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें तो दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, यहां ये और की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जबकि यहां पे ये क्या करता है, ये चेक करता है कि इन दोनों में से कोई एक ही वन होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर वन है और यहां पे भी वन होता तो इसका आउटपुट यहां जीरो हो जाता, क्यों, क्योंकि ये कहता है बिटवाइज एक्स और ये कहता है कि दोनों आउटपुट में से कोई एक ही आउटपुट जो होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो यहां पे अगर यहां पे वन है और यहां पे भी वन हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा। मतलब एनी वन, कोई एक आपका फाइनल आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दैट मीन्स वन होना चाहिए। किस केस में, बिटवाइज एक्स और के केस में, ठीक है। जबकि हम बिटवाइज और की बात करें, इसकी बात करें हम बिटवाइज और की, तो या तो कोई एक हो या तो मतलब वन हो, और कितने भी एन इनपुट सारे के सारे क्या हो सकते हैं, वन हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें सिर्फ हमें एक चाहिए वन, अगर दो वन हो गए, दो ट्रू हो गए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, जबकि इसमें एक भी हो या एन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको ठीक अपोजिट कर दीजिए। तो देखिए यहां पे ये चारों जीरो थे, वहां पे ये क्या आ गया, चारों वन आ गया, यहां पे ये जीरो था उसके बदले यहां पे वन आ गया, जस्ट सबको अपोजिट करते ले जाइए, ये वन था यहां जीरो आ गया, ये वन था यहां जीरो आ गया, और ये यहां पे फिर से जीरो था, ये क्या आ गया, वन आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट इज रिवर्स ऑफ एवरी बिट, राइट। नेक्स्ट आते हैं एक्स लेफ्ट शिफ्ट वन। देखिए अगर हम यहां वन लिखते हैं तो हर एक बिट एक स्टेप लेफ्ट जाएगा, ठीक उसी तरह ये एक्स राइट शिफ्ट वन, मतलब हर एक बिट एक शिफ्ट राइट जाएगा, ठीक है। तो अगर इस एक्स की हम बात करें और हर एक वैल्यू को, इस एक्स की हर एक वैल्यू को अगर हम एक शिफ्ट वन स्टेप लेफ्ट शिफ्ट करें तो क्या होगा, तो मतलब ये जो है, क्योंकि लेफ्ट में तो जगह है नहीं, तो ये उठ के कहाँ जाएगी, सबसे लास्ट में आ जाएगी, फिर ये एक वैल्यू आगे बढ़ेगी, 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 हर एक बिट आगे, एक एक वैल्यू क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा, राइट शिफ्ट के केस में हर एक बिट एक एक स्टेप क्या होगी, राइट जाएगी, इस साइड जाएगी, तो इसके बाद तो जगह है नहीं, तो इसलिए ये सीधे कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ये कहां जाएगी, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, राइट, क्लियर। वैसे ये एक पोजीशन आगे जाएगी, ये एक पोजीशन जाएगी, ये एक पोजीशन आगे जाएगी, ये एक पोजीशन आगे जाएगी, तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, राइट। तो ये था पाइथन का बिटवाइज ऑपरेटर।
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम पाइथन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।